हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीबीटी चैनल। आज हम बात करेंगे मूवी फोटोग्राफ की। लंच बॉक्स मूवी के डायरेक्टर रितेश बत्रा की नई मूवी जिसका नाम है फोटोग्राफ, उसी तर्ज पे बनाई गई है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल हटके है ये मूवी। तो अगर आप किसी फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तलाश में हैं तो आपको निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही स्लो पेस पे बनाई गई है। बात करते हैं स्टार कास्ट की। स्टार कास्ट में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सायना मल्होत्रा और आकाश सिन्हा। और ये स्टार कास्ट को मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनके अलावा ये रोल कोई कर नहीं सकता था, तो स्टार कास्ट बेस्ट चूज़ की गई है। तो अब बात करते हैं स्टोरी की। ये स्टोरी है एक यूपी से आए लड़के रफ़ी की, जो गेटवे ऑफ इंडिया पे 50-50 रुपये में लोगों की फ़ोटो खींच के अपने पिता का लिया कर्जा उतार रहा है। दूसरा किरदार है मलोनी का, जो कि सीए की प्रिपरेशन कर रही है और गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है। उसके सपने जो हैं वो थे एक्टिंग के, जिसके लिए उसे बहुत अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण से उसको सीए की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो वो कर रही है और बहुत ही साइलेंट रहती है। अब यहाँ स्टार्ट होती है एक अनयूजुअल लव स्टोरी की। वो अनयूजुअल लव स्टोरी क्या है? रफ़ी के लोगों को फोटोग्राफ के लिए बुलाने का अंदाज़, कि अगर आज आप ये फ़ोटो खिंचवाएंगे तो सालों के बाद भी आपको इस फ़ोटो में यही धूप, यही हवा और यही लोगों का शोर सुनाई देगा। और यही बात मलोनी को रफ़ी के लिए अट्रैक्ट कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है एक अनयूजुअल स्टोरी दोनों के बीच। प्यार, इश्क, मोहब्बत सिर्फ फिजिकल हो ऐसा ज़रूरी नहीं, और यही कुछ बताया गया है इस मूवी फोटोग्राफ की स्टोरी में। फिल्म के किरदारों को इतना सिंपल दिखाया गया है कि वो ओवर द टॉप और एग्जेजरेट नहीं दिखते हैं। आपको लगता है कि ये किरदार शायद आपका दोस्त या आप खुद भी हो सकते हैं। तो इन किरदारों के कारण से ही आप मूवी के साथ में एक जुड़ाव महसूस करते हैं, वो आपको बांध के रखती है। इस टिंडर वाले प्यार के ज़माने में ऐसा सच्चा प्यार देख के मन करता है कि वही पुराने दिन बहुत अच्छे थे। रफ़ीक का किरदार निभाते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे लगते हैं कि वो वही इस किरदार के लिए बने थे। जैसा कि वो अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर भी हैं, कि वो किसी भी रोल को बहुत ही बखूबी कर लेते हैं, इस रोल में भी उन्होंने एक आम आदमी, एक गरीब लड़के का रोल बहुत ही बखूबी निभाया है, जो कि अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन को गोरा करने के लिए क्रीम लेता है, क्रीम लेके रात को सोता है, जो कि बहुत सारे लड़के करते हैं, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिक्चराइजेशन का। पिक्चराइजेशन किया गया है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई की छोटी छोटी गलियों में, फोर्ट एरिया के आसपास। तो पिक्चराइजेशन को इतना सिंपल रखा गया है कि लगता है ये सब कुछ सच में ही हो रहा है। मुंबई की बारिश, लोकल टैक्सी, लोकल बस, पकोड़े, चाय, तो ये सब चीज़ें जब आप मूवी में देखते हैं तो वो मूवी में आपको बांध के रखती है, आपको अपना अपनापन महसूस होता है, लगता है कि शायद ये एक रियल स्टोरी हो। मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार है, इन दोनों के बीच में कोई दुश्मन है। हाँ, लेकिन मूवी के एंड को ओपन रखा गया है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि आगे क्या हुआ, क्या होगा। बट मूवी बहुत ही प्यारी बन पड़ी है, बहुत ही अच्छी पिक्चराइजेशन है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हटके मूवी देखना चाहते हैं, जो कि हम हमेशा लोग बोलते हैं कि कोई हटके मूवी नहीं बनती, हटके मूवी नहीं बनती है, तो ये हटके मूवी बनी है, तो आपको ये मूवी देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। मूवी की एक्टिंग, पिक्चराइजेशन, स्टोरी को देख के मैं मूवी को दूंगा 3.5 स्टार, और बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये मूवी जाके थिएटर में देखनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में और अपने वाइफ के साथ में, ताकि आप लोग महसूस कर पाएँ कि सच्चा प्यार फिजिकल नहीं होता है, उसको किसी रोज़ की ज़रूरत नहीं होती है, रोज़ डे की ज़रूरत नहीं होती है, टेडी डे की ज़रूरत नहीं होती है, वैलेंटाइन डे की ज़रूरत नहीं होती है, वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन पे भी खरा उतर सकता है। तो आपको ये मूवी देखने ज़रूर जाना चाहिए। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो हमारे रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको नई नई मूवी का रिव्यू दे सकें।